2022 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम जिन्होंने पास किया, प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बिना ऑनलाइन किए भी पैसा आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो अलग अलग तरह के इरर यानी परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान क्या होगा। तो कई तरह की समस्याओं का समाधान तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ बातें मैं इस वीडियो में और क्लियर करने वाला हूं जिससे आपका टेंशन और कम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इन सारी बातों की जानकारी के लिए पहले आप गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी, और जब आपके सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा, यहां पर जो रिजल्ट आया स्काईलाइट स्टडी, इसको आप ओपन कर लें। और इसको ओपन करने के बाद जो होम पेज खुलेगा, उस होम पेज पर सामने ही एक पोस्ट आपको नजर आएगा सबसे ऊपर ही। अगर यहां पर ना दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ढूंढ लेना है, मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022, इसको सिंपली ओके करना है, क्लिक करना है। आगे जो पेज खुलेगा यहां आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, चाहे वो इरर नॉट फाउंड का हो, चाहे वो इरर हो इन प्रोसेस का, चाहे वो इरर हो बैंक अकाउंट रिजेक्टेड का या मिसमैच का, चाहे वो इरर मैसेज आ रहा हो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट का, चाहे वो इरर आ रहा हो इन प्रोसेस का, चाहे आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट का, चाहे नॉट फाउंड का आ रहा हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको इस पोस्ट में मिलने वाला है। और यहाँ पर जो नीचे इस पोस्ट में लिंक्स दिए गए हैं ढेर सारे, वो आपके बहुत काम के हैं। काम के कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर आपका लिंक है उसको नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है एप्लीकेशन स्टेटस मैट्रिक, एप्लीकेशन स्टेटस इंटर, और दोनों के सामने ये चेक स्टेटस का लिंक है। आपको इन्हीं दोनों लिंक्स का काम पड़ने वाला है। और अगर आपने ऑनलाइन किया है और अगर यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो आपको मैट्रिक का यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा, और अगर इंटर का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो आपको इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा। और जब यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाए तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए लॉगिन है फॉर फाइनल सबमिट, मैट्रिक का है तो यहां पर लॉगिन करें मैट्रिक वाले, और यहां ये जो लिंक देख रहे हैं आप, ये लॉगिन हेयर फॉर फाइनल सबमिट इंटर का है, तो यहां पर लॉगिन करेंगे कौन, इंटर में फाइनल सबमिट करने वाले, लेकिन कब, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा तब। और इन दोनों के ऊपर जो स्टेटस का लिंक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार स्टेटस जो है बदल रहा है। कल तक आपका इन प्रोसेस था लेकिन आज देखिएगा तो यहां पर पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कल तक आपका नॉट फाउंड और आज चेक कीजिएगा तो आपका जो है प्रीवियस स्टेटस में नॉट फाउंड रहेगा और करंट स्टेटस में वहां पर पिता का नाम माता का नाम शो कर दिया रहेगा। अब ये मामला है क्या, आखिर आपने ऑनलाइन किया नहीं तो ये स्टेटस चेंज हो कैसे रहा है। देखिए बात दरअसल यहां पर ये है कि जो बिहार का शिक्षा विभाग है, आप ऑनलाइन भले ही नहीं कर रहे हो लेकिन शिक्षा विभाग जिनका भी डिटेल उनके पास उपलब्ध है उन सभी छात्रों का वह प्रोसेस में लगा दे रहा है। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप यूं समझिए कि आपको लाइन में लगा दिया गया वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पैसा उसी का आता है जिसका वेरिफिकेशन पीएफएमएस से होकर के आ जाता है। अब ये पीएफएमएस क्या है भाई, तो पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म हुआ पीएफएमएस का, और पीएफएमएस से जिसका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है केवल उसी का पेमेंट होता है, केवल उसी का पैसा अकाउंट में आता है। तो अब ये देखिए अकाउंट वेरीफाई होने में टाइम लगेगा, बहुत सारे छात्रों ने ये सवाल भी किया था कि हमारा आज तक अकाउंट जो है वो लगातार पेंडिंग में है, वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया हुआ है, अभी तक उसमें अपडेट नहीं हो रहा। तो देखिए पीएफएमएस के पास एक साथ ढेर सारे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपका अकाउंट वेरीफाई होने के तुरंत बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब है कि अकाउंट वेरिफिकेशन फेल कब होता है, तो फेल उस स्थिति में होता है अगर मान लेते हैं कि आपने यहां मैट्रिक पास किया किसी और नाम से और आप वहां अकाउंट जो शिक्षा विभाग के पास आपका है वो किसी और नाम से है, तो उस स्थिति में अकाउंट वेरीफाई होने में दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर इससे पहले बिहार शिक्षा विभाग के अलग अलग स्कीम में साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति वगैरह के स्कीम में आपने अपने माताजी का अकाउंट डाल दिया था, आपने अपने पिताजी का अकाउंट डाल दिया था, तो उस स्थिति में भी आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां पर नाम मिलाया जाएगा आपका अकाउंट के साथ। तो इसलिए लगातार स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, आपको क्या करना है बस कि सिंपली इन दोनों लिंक्स का चेक स्टेटस, यहां पर देखिए ये ऊपर वाला मैट्रिक का है, ये नीचे वाला इंटर का है, इन दोनों लिंक्स का उपयोग करके अपना स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आज आपका नॉट फाउंड बता रहा हो तो कल भी आपका नॉट फाउंड ही बताए। कल हो सकता है कि आपका प्रोसेस में लग जाए, लाइन में लग जाए, और लाइन में लग गया, प्रोसेस में लग गया मतलब वेरिफिकेशन शुरू होगा, लगातार स्टेटस चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पैसा भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, लेकिन इस पूरे प्रक्रम में आपको ये दोनों लिंक का इस्तेमाल करके लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहना है, नजर उस पर बनाए हुए रखना है। और जिनका मान लेते हैं स्टेटस में
अगर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है उनको भी वेट करना है, स्टेटस चेक करते हुए रहना है, और जिनका फाइनलाइज में नो बता रहा है उनको भी इन दोनों लिंक से स्टेटस चेक करते रहना, क्योंकि आज आपका फाइनलाइज में नो बता रहा है कल आपका यस होगा, और यस जैसे ही होगा पैसा आ जाएगा अकाउंट में। और जिनका ऑनलाइन हो चुका है वह यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके फाइनल सबमिट करें। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए ये दो लिंक जो मैंने आपको पहले बताया बहुत काम आने वाला है, और इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, वेरिफिकेशन का इंतजार करना है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।